ये जो कार मेरे सामने से जा रही है, मैंने देखा, देखिए एकदम अचानक से ओवरटेक करके गई और एकदम से इसने ब्रेक मार दी, और कुछ पीछे इसके पीछे भी एक कार थी, तो और अंदर बच्चे बिठा ले हुए हैं। कितनी गलत तरीके से कार चला रहा है, ज़रा सा भी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसको ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है कार चलाने की। हाईवे पे किस तरीके से कार चला रहा है ये देखना चाहिए था। मैं शाहजहांपुर से 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। मैंने शाहजहांपुर से 20 किलोमीटर पहले एक ब्रेक लिया था 40 मिनट का, वहाँ पेट्रोल डलवाया था। तो इस वक्त मैं बरेली की तरफ जा रहा हूँ, और शाहजहांपुर पूरा क्रॉस हो चुका है। बरेली यहाँ से 70 किलोमीटर बता रहा है, और बरेली शाहजहांपुर के बाद से बरेली तक की जो रोड है वो बहुत ख़राब है, और 70 किलोमीटर बता रहा है। अब कैसे 70 किलोमीटर चलाएंगे ये तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि धूप अब बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि 8:30 बज रहा है, तो धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। रोड बहुत ख़राब है, रोड की बहुत शिकायत है, कंकड़ पत्थर पता नहीं क्या क्या गाड़ी के नीचे आ रहा है। हालांकि ट्यूबलेस है उस, लेकिन फिर भी तो दिस इज़ हैदर साइनिंग ऑफ। अब बहुत थकान हो रही है, जो शाहजहांपुर से बरेली के लिए जो रोड गई है बहुत ख़राब रोड है, ज़्यादा ज़्यादा ख़राब है। और मैंने अभी तक जो अपनी गाड़ी चलाई है लखनऊ से यहाँ तक, तो 245 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। अभी भी मुझे अराउंड 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, नॉट 300, 270 के आसपास मुझे अभी भी गाड़ी चलानी है। और मैं अब ढाबा ढूंढ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ढाबा मिल जाए तो मैं कुछ खा लूँ और गाड़ी थोड़ा सा रोक दूँ। तो ये चीज़ है, कहीं मुझे ढाबा मिल जाए तो मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ। मैंने गाड़ी रोकी थी शाहजहांपुर से पहले, लेकिन अब थोड़ी सी थकान लग रही है और प्यास भी लग रही है। इस टाइम 10:15 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है प्यास लग रही है, धूप भी बहुत तेज़ है। अब मैं बरेली से निकल चुका हूँ, मैंने कम से कम 1 घंटे का रेस्ट लिया बरेली में, और धूप भी इस टाइम बहुत हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ मुरादाबाद वाया रामपुर होते हुए। रामपुर सिटी के अंदर से नहीं जाऊँगा, मैं बाहर बाहर से निकल जाऊँगा। और मुरादाबाद जो बता रहा है वो यहाँ से 80 किलोमीटर मुरादाबाद बता रहा है, 80 में 82 किलोमीटर बता रहा है। धूप इतनी तेज़ हो गई है कि मुझे जो है अपनी ग्लव्स पहनने पड़ गए। आप देख सकते हैं इस शीशे में मेरे ग्लव्स, तो इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मेरी स्किन जल रही थी तो मैंने ग्लव्स पहनी, क्योंकि टाइम भी 11:30 हो रहा है, तो चिलचिलाती गर्मी है इस टाइम। और मैं बरेली में, मैं जब बरेली क्रॉस कर गया था तो 10 किलोमीटर आगे जाके 1 घंटा मैं कम से कम वहाँ पर रुका। मैंने थोड़ा केले बनाना कुछ खाया और पानी वानी पिया, तो सुकून मिला मुझे। तो अभी जो है डायरेक्ट मुरादाबाद में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रुकूँगा, और उससे पहले पेट्रोल मुझे डलवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ये रामपुर मुरादाबाद से मेरा रामपुर सीधा। मैं जो है सीधे जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता थोड़ा घूम गया था, इसीलिए मैंने वहाँ शॉप पे पूछ लिया था कि किस तरफ है। यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने देखा है कि मिर्ची की खेती बहुत होती है। मुझे साइड में जो है दोनों तरफ देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मिर्ची की मार खेती करते हैं, और मिर्ची सुखाते हैं, वहीं धूप में कितनी मेहनत करते हैं। और मैंने देखा है कि जो गाड़ियाँ आती हैं ख़ासकर दिल्ली की और जो है उत्तराखंड की, वो फैमिली रोक के मिर्ची अच्छे खासे ले जाते हैं। तो इस साइड में मैंने जब से मैं बरेली क्रॉस किया है मुरादाबाद के लिए, तब से मैं देखा हूँ मैंने। यहाँ पे जो है मैं रामपुर जो है इस वक्त, रामपुर आपका सिर्फ 20 किलोमीटर यहाँ से मुझे दिखा रहा है, और मैं इस वक्त रामपुर रोड पर हूँ। सीन बहुत प्यारा है, रोड बहुत अच्छी है आपके बरेली से मुरादाबाद के लिए।
और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये रोड बहुत अच्छी गई है बरेली से मुरादाबाद की, इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी मुझसे मुझे अभी तक कहीं पे कोई थकान नहीं लगी है, मुझे अभी तक कहीं पे कोई थकान नहीं लगी गाड़ी चलाते हुए। हाँ, ये एक भूख प्यास लगी तो उसके लिए मैं बरेली में रुका, शाहजहाँपुर से 20 किलोमीटर पहले रुक गया था, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मुझे कहीं पे गाड़ी चलाते में थकान नहीं हुई है तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा पैर में स्वेलिंग हो रही है क्योंकि पैर लटके लटके काफ़ी जो है हो रहा है, लेकिन ऐसे पीठ में बदन में ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी आराम से चल रही है, मैं कंफर्टेबल हूँ। गर्मी है गर्मी बहुत है और जो है गाड़ियों का शोर बहुत है आसपास, जिसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे। इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, मैंने वीडियो बहुत देर में बनाई है क्योंकि मैं जब मुरादाबाद पहुंचा तो उसने मुझे दो रास्ते दिखा दिए, एक शहर के बाहर से दिखाया, दूसरा शहर के अंदर से दिखाया, लेकिन जो शहर के अंदर से दिखाया वो ये नहीं लिखा था कि वो सिटी है, तो मैं वहाँ चला गया। अब मैं जब वहाँ जाना था कि क़यामत हो गई, समझ लीजिए 20 से 25 किलोमीटर मैंने मुरादाबाद शहर के अंदर चलाई है गाड़ी। अगर कोई साहब लखनऊ के अय्यागंज को जानते होंगे या अमीनाबाद को जानते होंगे तो वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होती है अय्यागंज और अमीनाबाद में। जगह जगह पर मुरादाबाद में ब्रेक मारना, एक्सीलेटर लेना आफत, मतलब एक तो शदीद गर्मी 4:30 बज रहा, 3:30 बज रहा, उसके बाद वो भैया कोई आंटी जी सामने से आ रही हैं, कोई रिक्शे वाला आ रहा है, कोई ठेले वाला चला आ रहा है, जैसे अपने लखनऊ में नहीं कोई भी किधर से कट मार देता है वैसे, बार बार एक्सीलेटर ले रहा हूँ, बार बार जो है ब्रेक मार रहा हूँ। और मुरादाबाद शहर कितना कंजेस्टेड है तो ये मैंने आज जाके देखा, इतना बड़ा शहर है माशाल्लाह से, लेकिन इतनी मुझे मेरा लखनऊ से मुरादाबाद इंटर होने तक मुझे कोई थकान नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मुरादाबाद में मैं जैसे ही इंटर हुआ मेरे साथ तो ऐसी परेशानी हुई, मैं इतना थक गया कि पूछो ना। मैंने फिर मुरादाबाद जैसे क्रॉस किया, फिर धामपुर आया, धामपुर में मैंने कम से कम आधा घंटा रेस्ट लिया, वहाँ पर गाड़ी बंद कर दी क्योंकि गाड़ी मेरी गर्म हो गई थी, बार बार आप एक्सीलेटर ले रहे हो, बार बार ब्रेक मार रहे हो हर 3-4 सेकेंड पर, और मेरा थोड़ा वहाँ पे सिग्नल भी नहीं काम कर रहा था एयरटेल का, तो मुझे मेरा मैप भी बंद हो जाता था, तो मुझे लोगों से रास्ता पूछना पड़ा, तो इस वजह से मैंने वो सब उसकी वीडियोस बनाई नहीं। और मैं सीधे इस वक्त पहुँचने वाला हूँ आपके नगीना की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका जोगीपुरे बहुत से बहुत 60 या 70 किलोमीटर है, तो अभी मैं मैप से चेक करने जा रहा हूँ कि कितना बचा है यहाँ से, तो 60 या 70 किलोमीटर है। दूसरा, यहाँ पे कभी कभी मैप रुक जाता है वो नेटवर्क की वजह से, तो बता नहीं पाता है कि आपको किस तरफ टर्न होना है, लेकिन अभी तो भाई इसी के ही सहारे चलते चले आ रहे हैं। अब यहाँ किसी से रोक के बार बार रास्ता थोड़ी ना पूछेंगे, वरना तो शाम की तो पहुँचने की जगह पर रात में पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि मैप कैसा काम करता है। यहाँ बार बार जीपीएस सिग्नल लॉस हो जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं इस टाइम नगीना की तरफ बढ़ रहा हूँ, नगीना के बाद आपके नजीबाबाद, हालांकि नजीबाबाद मैं नहीं जाऊँगा, मैं नजीबाबाद रायपुर रोड से ही होता हुआ जोगीपुरा चला जाऊँगा, तो जोगीपुरा यहाँ से 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और इंशाल्लाह मैं आधे घंटे या एक घंटे में पहुँच जाऊँगा।